घग्गर नदी के किनारे खेतों में थे जब शेखपुरिया कुछ साथी किसानों के साथ आगे चल रहा था। वो बॉर्डर की ओर जा रहा था। किसान नेताओं की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। वो बस अपनी धुन में आगे चला जा रहा था। चंद मिनटों के बाद हमने देखा कि कुछ किसान उसे वापस लेकर आ रहे हैं। उसकी बाईं आंख से बहुत खून बह रहा था। हम उसे बनूर के सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उसके घाव पर टांके लगाए गए। डॉक्टर ने उसे चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर कर दिया। हमें बताया कि वो अपनी बाई आंख से कभी नहीं देख पाएगा। ये आंखों देखी बताई है दविंद्र सिंह शेखपुरिया के दोस्त परमिंद्र ने। दविंद्र सिंह शेखपुरिया उन 3 लोगों में से एक है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो दी। प्रदर्शन के दौरान उनकी आंख पर रबर की गोली लग गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 3 किसानों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। 3 में से एक किसान को चंडीगढ़ के GMCH 32 और बाकी 2 को पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में रखा गया है। उन्होंने आगे बताया कि हमने उनके टेस्ट करवाए, हम उनकी आंखों की रोशनी नहीं बचा पाए। हरियाणा पुलिस ने न केवल वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले को इस्तेमाल किया बल्कि पैनट गन भी चलाई है, ऐसी खबरें हैं। राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल में ही 56 साल के जगतार सिंह कोहड़ा अपने हाथ का इलाज करवा रहे हैं। जगतार सिंह खनोरी बॉर्डर पर चली पैरट की गोलियों से चोटिल हो गए थे। जगतार सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैंने किसी को उकसाया नहीं था। जब हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस की गोली डाली तो मैं लोगों को गीली बोरियों से ढकने के लिए दौड़ा। अचानक मुझे पीछे कुछ चुभा, मुझे जोर से दर्द होने लगा। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पीठ पर फ्रैक्चर हो गया है। हरियाणा ADGP ममता सिंह ने बताया कि हमने आंसू गैस के गोलों और पैलेट गन का इस्तेमाल 1 या 2 मौकों पर ही किया है। हमने ऐसा तब किया जब हमारी फोर्स को 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ ने घेर लिया था। 16 फरवरी किसान आंदोलन का 4th दिन कल ही किसानों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हुई थी लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसान और पुलिस प्रशासन दोनों अपने अपने मोर्चे पर तैनात है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहाँ की हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मैंने, मेरा नाम है नौशी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए उल्लेख न्यूज़। शुक्रिया।